बिना मेहनत मिनटों में दही जमाने का ऐसा नया अनोखा तरीका, बस एक सीक्रेट चीज डाल करके। स्वागत है आपका इंडियन फूड सतुसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने आधा लीटर दूध को पहले से ही 5 मिनट तक उबाल लिया हुआ था, अब इसे हम दोबारा उबालेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच ताजा मलाई, मलाई ताजा होना चाहिए दूध पर की, और इसको हम अच्छी तरह से मिला करके 5 मिनट तक दूध को और उबालेंगे। उबालते समय इस तरीके से हम फेंटते रहेंगे, 3 से 4 मिनट तक इसी तरीके से लगातार फेंटते हुए दूध को उबालेंगे, और इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने के लिए किनारे रख देंगे। अब हम पैन गर्म करेंगे, इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी, और चीनी में हम पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी का ही इसे घोलने देंगे, यानी कि कैरेमलाइज करेंगे। बीच में इस तरीके से हल्का सा चला देंगे, इसे हमें बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा ना कि इसमें थोड़ा सा कड़वाहट आ जाएगा। जैसे ही अच्छी तरह से घुल जाएगा गैस बंद कर देंगे। अब हम थाली में ठंडा पानी लेंगे और दूध को इसमें रख करके जल्दी से ठंडा कर लेंगे। तो इस तरीके से फेंटते हुए इसे हम ठंडा करेंगे, उंगली से चेक कर लेंगे, हल्का सा ये गर्म है। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो चीनी को हमने घुलाया था यानी कि कैरेमलाइज किया था, इसे डाल देंगे। बहुत ज्यादा गर्म दूध में इस तरीके से सब डालेंगे ना, तो कभी कभी ये दूध फट भी सकता है। तो हम क्या करेंगे ना, पैन का दूध हमने इस पैन में ले लिया क्योंकि इसमें ढेर सारा चीनी लगा हुआ था, और इस तरीके से घुलाते हुए इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये टुकड़े पूरी तरह से गल नहीं जाते। तो इस तरीके से 2 से 3 मिनट हो गया और ये टुकड़े अच्छी तरह से गल गए हैं, हम गैस को बंद कर देंगे। और यहाँ पर हमने 4 से 5 चम्मच दही को सूती के कपड़े में बांध कर पहले से ही रख दिया था, उसका सारा पानी निकल चुका है और इस तरीके से गाढ़ा दही हो गया है। जामुन लगाते समय या फिर खट्टा लगाते समय फ्रिज में से दही निकालकर आप 1 से 2 घंटे के लिए बाहर रख दीजिएगा, और इस तरीके से इसे हम फेंट लेंगे। इसमें मोटे मोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर हमने मिट्टी का हांडी लिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच दही इसमें डाल देंगे और पूरी मटके को इस तरीके से हम कोट कर लेंगे। ये देखिए, अब थोड़े से दही हम कैसरोल में भी डाल देंगे। बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि दही थोड़ा खट्टा होना चाहिए, ताजा दही का अगर जामन डालेंगे तो ये दही उतनी अच्छी नहीं जम पाएगी। हम क्या करेंगे, इस दूध को भी ठंडा कर लेते हैं, तो एक उंगली डालकर इस तरीके से चेक कर लेंगे, उतना गर्म है ये उंगली को बर्दाश्त कर ले, इतना ही गर्म दूध होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब इस दूध वाले पैन पर हम रुमाल को रख देंगे, इसमें थोड़ा सा दही लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे ना, 1 से 2 चम्मच दही को इस पर डाल देंगे और इस तरीके से अच्छी तरह से फैला देंगे, और ये दूध को भी हम डाल देंगे। दूध डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से चम्मच से इस तरीके से घुला लेंगे। आप चाहे तो बर्तन में भी इसी तरीके से दही को डाल करके फेंट सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इस तरीके से फेंटने से ये दही काफी अच्छी जमती है। अब हम सारे दूध को इसमें पलट देंगे। एकदम नया और अनोखा तरीका है, इसे एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम दूध को चेक कर लेते हैं, दूध हल्का सा गर्म है। तो यहाँ पर हमने 1 आम को पीस करके पहले से ही रख लिया था, बारीक पेस्ट बना लिया है। अब इस दूध में इसे डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब इसे हम किनारे रख देंगे। यहाँ पर हमने गैस चलाकर कढ़ाई को 5 मिनट तक गर्म कर लिया, कढ़ाई हल्का गर्म हो गया। अब इसमें हम ये टॉवल रख देंगे, आप कोई सा भी मोटा कपड़ा रख सकते हैं, और ये हांडी को रख देंगे। इसमें सारे दूध को हम डाल देंगे, हल्का सा कढ़ाई गर्म होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसके मुंह को हम बंद कर देंगे, तो आप एल्युमिनियम फॉइल, बटर पेपर या कपड़े से भी इस तरीके से मुंह को बंद कर दीजिएगा, और ऊपर से रबड़ बैंड लगा देंगे। इसके ऊपर कपड़ा डाल देंगे ताकि इसकी गर्माहट बनी रहे, और इसे ढककर हम 4 से 5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे ताकि दही हमारी अच्छे से जम जाए। और यहाँ लोटे में थोड़ा सा ये दूध बच चुका है आमोला, तो हम क्या करेंगे ना, नॉर्मल दूध हमने लिया हुआ है, दूध को हमने पहले ही उबाल लिया था, इस लोटे में डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे हम फेंट लेंगे। तो अगर आप बिना आम डाले ही दही को जमाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप जमा सकते हैं। अब इस कैसरोल में पूरे दूध को हम डाल देंगे। कम समय में काफी आसान तरीके से इस दही को एक बार जमाकर जरूर देखिएगा, ढक्कन लगा देंगे और उसे 3 से 4 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे। 3 से 4 घंटा हो गया है, अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई पर से ढक्कन को हटा देंगे, दही के मुंह को खोल देंगे, और खोलने के बाद क्या करेंगे ना, इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा। दही ठंडी खाने में ही अच्छी लगती है, और ये देखिए कितनी गाढ़ी और कितने पत्थर की तरह दही हमारी जम करके तैयार हो गया है। मैं इसे आप पलट करके दिखाऊंगी, ये देखिए अगर मैं मटके को इस तरीके से पलट देती हूँ और थपथपाती हूँ तो ये दही का पानी या फिर दही बिल्कुल नहीं गिरता है, इतना ये गाढ़ा जमा हुआ है। ये देखिए मैं इसे हाथ पर पलट करके दिखाऊंगी,
अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आएगी ना, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में देखिए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। और ये देखिए, मैंने मटके को हल्का सा थपथपाया, लेकिन हाथ पर मेरे एक बूंद भी दही नहीं गिरा। कितना भी आप इसे ठोकेंगे या फिर पीटेंगे, दही बाहर नहीं गिरने वाला है। इतना गाढ़ा ये दही जमा हुआ है, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह देखने में भी लगता है और खाने में तो पूछिए नहीं। इसे एक बार बनाकर खाएंगे तो आप जरूर समझेंगे कि कितनी टेस्टी रेसिपी बनी हुई है। अब मैं इसे आपको निकाल करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह, बच्चे हो या बड़े हो, सबको काफी पसंद आता है। दही के साथ आम डालकर इस तरीके से एक बार इसे जरूर जमाइएगा। यकीन मानिए, एक बार खाएंगे तो इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। इसके ऊपर बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हम बादाम और पिस्ता डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी मेवे काट कर इसमें डाल सकते हैं। और ये हमारी दही की नई सी रेसिपी बन करके तैयार हो गई है। आप इसे 4 से 6 दिन के लिए फ्रिज में रख करके खा सकते हैं, ये खराब नहीं होता। अगर आप चीनी नहीं खाते तो उसकी जगह पर गुड़ या फिर शहद का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये कैसरोल वाला दही भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसको भी हमने जमने के बाद 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये पूरी तरह से जम चुका है। और ये देखिए, इसका मुंह चौड़ा है लेकिन दही हमारी कितनी अच्छी जमी है। इसे मैं पलट करके दिखाऊंगी। तो इस दही में हमने चीनी नहीं मिलाया हुआ था, बस थोड़ा सा उसमें का मिश्रण बच गया था, उसी में हमने नॉर्मल दूध डाल करके दही जमाया हुआ है। फिर भी ये दही हमारी कितनी अच्छी जमी है, इसे मैं पलट करके दिखाऊंगी तो ये गिरने वाला नहीं है, है ना। बिल्कुल नई और अनोखी सी रेसिपी। इसे मैं काट करके आपको दिखा रही हूँ कितनी गाढ़ी दही हमारी जमी हुई है। बस इस दही को जमाते समय आपको ध्यान देना है कि जब भी आप चामन या फिर खट्टा लगाएं तो 1 दिन पहले का दही रखा हुआ है वो उसका आप खट्टा लगाएं। अगर फ्रीज में रखा हुआ तो उसे 2 से 3 घंटे के लिए आप बाहर निकाल दीजिए। चामन का खट्टा होना बहुत जरूरी है। अगर चामन ताजा रहता है तो दही उतनी अच्छी नहीं जम पाती है। और जमने के बाद इसे आप 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज में रख दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए, यानी कि अच्छी तरह से सेट हो जाए। और ये देखिए, बिल्कुल बर्फी की तरह ये दही कट करके निकल रहा है। इस तरीके से एक बार आप दही जमा करके जरूर देखिएगा। यकीन मानिए, जिसे दही खाना नहीं पसंद वो भी मांग करके खाएंगे। अगर आपकी दही खट्टी हो जाती है 2 से 3 दिन के बाद रखने के बाद, तो आप क्या करेंगे ना, इसमें 1 से 2 टुकड़ा नारियल रख दीजिए। नारियल रखने से दही खट्टी नहीं होती है और इसका स्वाद नहीं चेंज होता है। तो इस तरीके से आप नारियल रख करके इस दही को 7 से 8 दिन तक खा सकते हैं। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टाटा, बाय बाय एंड टेक।